हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास लेक्चर सीरीज ऑन पॉलिटी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी अच्छे चल रहा होगा। आई होप ये जो चैप्टर 11 है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप सभी ने पढ़ लिया होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाके लेक्चर सीरीज के बाद पढ़ लीजिएगा। तभी जाके आपको मैंने क्या बताया था कि आप लेक्चर सीरीज से पहले आप वो चैप्टर अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, फिर लेक्चर सीरीज खत्म होने के बाद वो फिर से आप रीड कीजिएगा। एक बुक आप अगर पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जो भी बुक हो, आप जो भी सब्जेक्ट हो, वो अच्छे तरीके से मिनिमम 10 टाइम्स 12 टाइम्स आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्लैरिटी नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में आपको उसको आप समझोगे नहीं वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ऐसे करते करते आपको डेप्थ पे जब आप जाओगे तभी आपको वो स्टोरी पता चलेगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। तो अब अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अगर पता है तो आपको जो क्वेश्चंस है, जो भी एमसीक्यूज है, वो डील करने में ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कोई भी अगर ख़त्म होने के बाद कोई भी डाउट होता है, तो कोई अगर क्वेरीज रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और आप टेलीग्राम चैनल में जाके भी पूछ सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। ठीक है, चलिए फिर। और पहले का जो भी सीरीज हो गया वो अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो भी देख लेना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बेसिक्स कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोगों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमको तो पता है, लेकिन कहाँ ये कोई आर्टिकल में इंक्लूड है? नहीं। कोई एक्ट पे इंक्लूड है? ये भी नहीं है। कोई पार्ट पे है? वो भी नहीं है। तो ये है कहाँ? तो ठीक है, तो कहाँ से ये इवॉल्व हुआ, ये इसका ओरिजिन कहाँ से है? ठीक है, क्या ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है तभी ये इसमें प्रेजेंट था, या फिर कहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ? ठीक है, तो आप कह सकते हो ये एक गिफ्ट है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक गिफ्ट दिया, या फिर मान लो हम लोगों को गिफ्ट दिया। ठीक है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे मान लो कोई भी जजमेंट आता है, तो वो जजमेंट के एक जजमेंट, दो जजमेंट, मतलब जजमेंट के हिसाब से वो बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व होते गया। ठीक है, इन सर्टेन सिचुएशन, वो सिचुएशन के हिसाब से वो धीरे धीरे इवॉल्व होते गया। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जो आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो? ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट लाते हो, कोई भी कुछ भी करते हो, तो वो हम लोग लास्ट क्लास में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया। ठीक है, उसके बारे में जाना। तो अमेंडमेंट का 3 प्रोसीजर होता है, वो भी हम देखे। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने धीरे धीरे जब भी कोई भी जजमेंट आता गया, कोई भी केसेस आते गया, तभी वो इवॉल्व होते गया। तो ये आर्टिकल 368 में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे मान लो एक ह्यूमन बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? दो आंखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। मान लो कि जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है, तो आप क्या हाथ काट दोगे या गर्दन काट दोगे? ये तो नहीं हो सकता ना। तो लेकिन कौन सा चीज़ें चेंजेबल है? आप हेयर कट कर सकते हो, आप नेल कर सकते हो, आप हेयर डिजाइन कर सकते हो, तो आप जो चीज़ अमन कर सकते हो वो बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं है। तो एक ह्यूमन बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आँख, कान, नाक, मुंह, ठीक है, वो सारे बेसिक स्ट्रक्चर है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है वो हेयर है। ठीक है, नेल से आप हेयर कलर कर सकते हो, ये सारे चेंजेबल है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर हम देखते हैं तो वो फर्स्ट केस, शंकरी प्रसाद केस 1951 में क्या बोला? द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 व्हिच कर्टेल्ड द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज चैलेंज। ठीक है, जब आर्टिकल, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 में, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स पे था, तो जब उसको अलग किया गया तो वो चैलेंज किया गया, कि तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। जो आर्टिकल 360 में, 368 पे है पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर, वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों को पता है क्या आर्टिकल 13 में क्या है?
आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू है। तो जुडिशियल रिव्यू में क्या है, कोई भी अगर लॉ बनता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होता है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगा जुडिशियल रिव्यू के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आर्टिकल 13 में सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज को ही इंक्लूड किया गया, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगर आर्टिकल 13 में नहीं है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप जुडिशियल रिव्यू, सॉरी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो तभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला कि देयर फॉर द पार्लियामेंट कैन एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय एनेक्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड सच अ लॉ विल नॉट बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हो, तो वो आर्टिकल 13 में कोई वॉइड नहीं है, कोई वायलेशंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका एवोल्यूशन हुआ सरकारी परिषद केस में, इसको चैलेंज किया गया। तो फिर आया गोलकनाथ केस 1967। तो गोलकनाथ केस 1967 में बोला कि सुप्रीम कोर्ट बोला जो भी लॉ विद इन द आर्टिकल 13 है द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स अर्लियर स्टैंड। तो सुप्रीम कोर्ट उसका जो पहले का डिसीशन था वो चेंज किया। इन दैट केस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी द 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 व्हिच इंसर्टेड सर्टेन स्टेट एक्ट्स इन द 9th शेड्यूल वाज चैलेंज। तो ये 9th शेड्यूल में, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया, तो 9th शेड्यूल में भी चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट फंडामेंटल राइट्स आर अ गिवन ट्रांसेंडल एंड इम्यूटेबल, कि ये हमेशा रहेगा, ये इसको चेंज आप नहीं कर सकते हो। पोजिशंस एंड हेंस द पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दिस राइट। जो फंडामेंटल राइट्स है वो चेंज करने के बाद, वो जो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीशन चेंज किया और बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो ट्रांसजेंडल एंड इम्यूटेबल पोजिशंस है उनका, वो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते और कभी भी ले नहीं सकते हो। ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ 13। और ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये भी आर्टिकल 13 में इंक्लूड है विद इन द लॉ। ठीक है, हेंस वुड बी वॉइड फॉर वायोलेटिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर वायोलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत तो वो भी वॉइड माना जाएगा। तो पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था गोलोकनाथ केस 1967 में, उसमें पार्लियामेंट रिएक्ट किया कि अगर हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स है वो अमेंड नहीं कर सकते, जैसे मान लो हम लोगों ने आर्टिकल में देखा कि डीपीएसपी को इंक्लूड करने में, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने में फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना होगा, तभी पार्लियामेंट ने बोला कि अगर डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करेंगे तो डीपीएसपी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो इनइक्वलिटीज है उसको इक्वलिटीज लाने में। ठीक है, तभी पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे इसी बात पे रिएक्ट किया, गोलोकनाथ केस 1967 बाय एनेक्टिंग 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 दिस एक्ट अमेंडेड। तभी ये जो पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया, तभी पार्लियामेंट ने अमेंड किया आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को, फिर से अमेंड कर दिया। ठीक है, फिर से ये जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का जो भी प्रोविजन था उसको फिर से अमेंड कर दिया और ये बोला कि इट डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 एंड सच एन एक्ट विल नॉट बी लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। ये फिर से चेंज कर दिया और बोला कि कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को, और ये आर्टिकल 13 में जो भी लॉ है उसको, मतलब आर्टिकल 13 के मीनिंग में नहीं आएगा, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 13। ठीक है, तो आर्टिकल 13 में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ कि जो भी चैलेंजेस था सरकारी प्रसाद केस में, तो वो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया अपने डिसीजन, फिर
24th अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट ने रिएक्ट करके फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में उसको फिर से चेंज किया, ठीक है। तो अभी हाउएवर फिर आया केशवानंद भारती केस, पहले गया तो शर्करी प्रसाद केस 1951, फिर गोलोकनाथ केस 1967। ये केसेस जो है ना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था ये जो केसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस पे बहुत हेल्प करेगा, या फिर जब भी एमसीक्यूज सीरीज चलता है, ठीक है, कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होता है उसमें पूछा जाता है कि इस केस में कौन से ईयर में आया था, किस चीज़ के लिए आया था, ठीक है। तो अभी आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में क्या बोला, द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल इट्स जजमेंट इन द गोलोकनाथ केस। अपना जो ओवर जजमेंट था वो ओवर रूल किया, इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड स्टेटेड द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो गोलकनाथ केस था जजमेंट था उसमें वो ओवर रूल किया और बोला कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया, पार्लियामेंट ने बोला कि कोई भी चेंजेस कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में, वो आर्टिकल 13 में इंक्लूड नहीं होगा, वो करेक्ट है, ठीक है, वो करेक्ट है, वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी किंतु आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी बट लगा दिया। बट क्या था कि एट द सेम टाइम इट लेड डाउन ए न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी एक नया डॉक्ट्रिन इशू किया और वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास मतलब बहुत क्लासेस में हम लोग देखते हैं कि केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्या है, ये था, ठीक है। दो केसेस में जो सरकारी प्रसाद केस 1951 में क्या बोला, आर्टिकल 13 में जो भी है वो ऑर्डिनरी लॉज है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को चेंज करेंगे। फिर ये गोलकनाथ केस में बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 में इंक्लूड किया जाएगा और वो पहले का जो डिसीशन था वो रिवर्स किया गया, फिर पार्लियामेंट ने चेंज किया अमेंडमेंट किया आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 को। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ठीक है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर को डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसको इंक्लूड किया इसमें, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। तो इट रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट एनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट का जो पावर है आर्टिकल 368 में वो आप बेसिक स्ट्रक्चर को कभी चेंज नहीं कर सकते, कभी छेड़खानी नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे ए फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रीअफर्म्ड एंड अप्लाइड बाई द सुप्रीम कोर्ट इन द इंदिरा नेहरू गांधी केस, ठीक है। ये फिर से रिफॉर्म किया गया इंदिरा गांधी केस में 1975 में। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट इनवेलिडेटेड अ प्रोविजन, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन को इनवेलिड किया गया वो आर्टिकल सॉरी 39 अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें क्या बोला कि व्हिच केप्ट द इलेक्शन डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ऑल कोर्ट, कि प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का जो भी इलेक्शन है वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवेलिड किया गया और बोला कि ये जो आपने बताया वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। द कोर्ट सेड दैट दिस प्रोविजन वॉज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट एज इट अफेक्टेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट केस था जिसपे रिफॉर्म किया गया सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगेन पार्लियामेंट रिएक्टेड टू दिस जुडिशियली इनोवेटिव डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर बाय एनेक्टिंग द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1967। तो फिर से पार्लियामेंट रिएक्ट किया, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है हम लोगों का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन था उसको लेके, ठीक है। दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368 एंड डिक्लेयर दैट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट
कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कंट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। फिर से पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया, फिर से अमेंडमेंट किया कि ये डिक्लेयर किया कोई मतलब लिमिटेशंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कोई अमेंडमेंट लाओ, कोई 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 कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकते, कोई किसी भी ग्राउंड पे आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल केस 1980 में बोला इनवैलिडेटेड दिस प्रोविजंस एज इट एक्सक्लूड द जुडिशियल रिव्यू व्हिच इज अ बेसिक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई साहब आप जो कह रहे हो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तभी आप इसको अमेंड नहीं कर सकते हो। कि इसमें जो 42nd अमेंडमेंट में क्या बोला पार्लियामेंट ने कि आर्टिकल 368 में डिक्लेयर किया गया कोई भी लिमिटेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर में पार्लियामेंट का, कि आप पार्लियामेंट ने कोई भी अगर अमेंडमेंट करते तो वो कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता है। तो कोर्ट चैलेंजिंग मतलब जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप इसको इस पे कोई रोक नहीं लगा सकते हो, ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकते हो। अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विद रेस्पेक्ट टू द आर्टिकल 368 द कोर्ट हेल्ड दैट, ठीक है, सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैड कॉन्फर्ड अ लिमिटेड अमाउंडिंग पावर ऑन द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर द एक्सरसाइज ऑफ दैट लिमिटेड पावर एनलार्ज दैट वेरी पावरफुल इन टू एन एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, तो ये था जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है, जो पार्लियामेंट ने बोला कि कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू है, कोर्ट का जो चैलेंजिंग पावर है वो अमेंडमेंट करते हैं। तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बेसिक फीचर है तो वो आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे केसेस था, ये सारे केसेस आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो फर्स्ट था सरकारी प्रसंग के, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप चेंज करते हो फंडामेंटल राइट्स को, कोई इस पे आर्टिकल थर्ड जुडिशियल रिव्यू का कोई इनवैलिड माना नहीं जाएगा। फिर गोलोकनाथ केस में इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को इंक्लूड किया बेसिक स्ट्रक्चर में आर्टिकल 13 में, फिर इसको पार्लियामेंट में चेंज किया, पार्लियामेंट में चेंज कर केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड किया, उसमें जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तभी इंदिरा गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड किया, जो भी प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का इलेक्शन डिस्प्यूट्स था वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ कोर्ट नहीं बोल सकते हो। फिर पार्लियामेंट ने चेंज किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ला के बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, आर्टिकल 368 एंड डिक्लेयर दैट देयर इज नो लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी अमेंड करते हो कोई क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, कोई चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट। तो कोर्ट ने बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस 1980 में बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको भी चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे केसेस था। तो हम अभी देखेंगे जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या एलिमेंट्स है, ठीक है। तो बहुत सारे, जब ये सारे जितने भी एलिमेंट्स है ये एक ही बार में नहीं आया, ये जब भी जजमेंट आया कोई भी केसेस आया उसके साथ ही साथ ये इवॉल्व होते गया। तो फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी, ठीक है, फेडरल, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू तो बार बार बोलता है कोर्ट कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। रूल ऑफ लॉ, हारमोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट,
फिर पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो लिमिटेड है पार्लियामेंट के पास, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर के पास बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया, एफेक्टिव एक्सेस टू जुडिशियल जस्टिस प्रिंसिपल्स और एसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 332, 136, 141, 142, ये सारे जो आर्टिकल्स है आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल में क्या क्या है। पावर ऑफ द हाई कोर्ट आर्टिकल 226, 227, ये सारे जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। ठीक है, अभी तक इतना ही इंक्लूड किया गया। अभी आगे जाके अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये आप चैलेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी क्या है, जो भी आर्टिकल 30 में है हम लोग पढ़ते हैं, जो जुडिशियल रिव्यू है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, सब इंक्लूड है। कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स, कोई भी लॉ अमेंडमेंट करता है और कोई भी लॉ ला नया बनाता है तो वो अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होता है और बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होता है तो वो स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में था। ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है लेकिन इसमें जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं जितने भी केसेस मैंने बताया, सरकारी प्रसाद केस 1951, गोलकनाथ केस 1967, ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल केस 1980, ये सारे आपको पता होना चाहिए। ये सारे केस आप लोगों को कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। अभी जाके आप फिर से जब किताब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन से केशवानंद भारती के इसमें क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड किया। ठीक है, ये सारे आप लोग देख लेना किताब के लास्ट में, या फिर इसमें भी आप अच्छे तरीके से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी केस, ठीक है, मिनर्वा मिल केस, सेंट्रल कोल फील्ड, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट केसेस है ना मैं बता देता हूँ, केशवानंद भारती केस, इंदिरा नेहरू गांधी केस, मिनर्वा मिल केस, ये सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस ये इम्पोर्टेंट नहीं है, भीम सिंह जी केस इम्पोर्टेंट नहीं है, एसपी संपात कुमार केस भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए ये जो रूल ऑफ लॉ है, जुडिशियल रिव्यू, ये इस केस में आया था। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, कभी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू ये भी इंक्लूड है, दोनों एक ही साथ ही आया था। ठीक है, फिर एस आर बोमाई केस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी केसेस है आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, तभी आपको, जैसे एल चंद्र कुमार केस, पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, 227, ठीक है, कुलदीप नायर केस, डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सारे, आई आर कोल्हव केस 2007, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल जुडिशियल रिव्यू, प्रिंसिपल इक्वलिटी, ये सारे इंक्लूडेड है। ठीक है, ये सारे आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही तक था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया, नहीं आया तो कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल में जाके भी आप पूछ सकते हो। तो इसी तरह आपका भी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, कंसिस्टेंसी बना के रहो, और कोई भी प्रॉब्लम होता तो लेट मी नो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन।